जितने भी कार डीलरशिप है ना इंडिया में, बड़ी चालाक है यार। मतलब किसी भी तरीके से कस्टमर को फायदा होने ही नहीं दे सकते हैं, अपना फायदा देखते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि अभी जो डिस्काउंट है ना काफी अच्छा चला हुआ है, इस साल डिस्काउंट बहुत बढ़िया रहा है पिछले 3-4 साल के मुकाबले। पहले डिस्काउंट चलता ही नहीं था, वेटिंग बहुत ज्यादा रहती थी तो कुछ छूट हमें मिल नहीं पाती थी। इस बार डिस्काउंट ज्यादा आए हैं, उसके बावजूद भी कार डीलरशिप ने कुछ ना कुछ नए नए तरीके अपना लिए हैं जिसकी वजह से कस्टमर को डिस्काउंट या वो फायदा मिल ही नहीं पा रहा है जो कंपनी उसको पहुंचाना चाह रही है या उसको मिल जाना चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जब डिस्काउंट ज्यादा आ गए हैं, अच्छे नंबर्स में डिस्काउंट हमें मिलने के लिए तैयार हैं, बढ़िया गाड़ियों पर भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी किस तरीके से डीलरशिप कौन से खेल खेल कर हमें उन डिस्काउंट से वंचित कर रही है, वो डिस्काउंट नहीं मिल पा रहे हैं या बहुत कम डिस्काउंट मिल पा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। के सबसे पहले तो डिस्काउंट कम मिलने का या ना मिलने का रीजन हमारे अपने अंदर ही है। बहुत सारे लोग जो है वो ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, अभी एक माहौल बना हुआ है, इस बार गाड़ियां कम बिकी हैं, इस बार डिस्काउंट ज्यादा आए हुए हैं, तो उस वजह से ना गाड़ियों पर बहुत मोटे डिस्काउंट आ गए हैं। ऑनलाइन हम वीडियोस देखते हैं, 10 लाख के डिस्काउंट आ गए, 12 लाख के डिस्काउंट आ गए, किसी गाड़ी पर 5 लाख के डिस्काउंट आ गए, 2 लाख के डिस्काउंट आ गए। तो हम सोच कर जाते हैं यार, वहां पर जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, हमने अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर ली है 10 लाख रुपए की, उसमें 1 लाख रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, 9 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएगी। ये ओवर एक्सपेक्टेशन है और उस वजह से बहुत बार हम डील ही नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारा बजट नहीं है या फिर हमारा मूड थोड़ा उस टाइप का हो जाता है कि नहीं यार, ये ना डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हैं, जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। तो ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना है। ओवर एक्सपेक्टेशन आप कैसे ना करें, उससे बचने का दूसरा तरीका है, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है डिस्काउंट्स के ऊपर, देखना है, ऑनलाइन सर्च करना है, कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, न्यूज़पेपर्स में भी लिखा आता है कि इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट है। मान लेते हैं वो बोल रहे हैं इस गाड़ी पर 80,000 रुपए डिस्काउंट है, हम देखते हैं अच्छा मेरी फेवरेट गाड़ी पर ब्रेजा पर 80,000 आ गए, नेक्सोन पर 80,000 रुपए आ गए, पंच पर 80,000 रुपए बच रहे हैं, कोई भी XYZ गाड़ी बड़ी फेमस गाड़ी है, 80,000 रुपए देखते हैं और हमारे दिमाग में आ जाता है यार इतना बढ़िया डिस्काउंट है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा वर्क नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कैश डिस्काउंट उस पर कितना अवेलेबल है, 20,000 रुपए ही कैश डिस्काउंट अवेलेबल है, उसके बाद 30,000 रुपए 15,000 रुपए उन्होंने एक्सचेंज बोनस ले दिया है, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जैसे एसेसरीज जो है वो 30,000 रुपए की हम फ्री दे रहे हैं या हम इंश्योरेंस में कम करके दे रहे हैं। तो वो सारी चीज ना आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, किस टाइप का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तब आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे यार मैं पुरानी गाड़ी तो कोई दे ही नहीं रहा हूं, तो एक्सचेंज बोनस कहां से मिल जाएगा, एसेसरीज अगर मैं उनसे लूंगा तो उसका कैश कम नहीं होगा, उतने की एसेसरीज मेरी गाड़ी में लग जाएंगी, पैसे तो मुझे पूरे ही देने हैं ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, ज्यादा फायदे में आप रह पाएंगे। फिर तीसरा क्या रहेगा, एसेसरीज की ही बात आ गई है, उसी पर बात कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है और आजकल ये चीज ज्यादा चली हुई है, पहले क्या बोलते थे जब हमारे पास गाड़ियां कम थी या फिर डिस्काउंट नहीं मिलते थे, अगर आप ये एसेसरीज लेंगे, पैसे देकर एसेसरीज लेंगे तो ही हम आपको ये गाड़ी दे पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, आपको ना गाड़ी के साथ ये एसेसरीज फ्री मिल रही हैं, पैसे नहीं देने, आपको फ्री मिल रही है, यही तो डिस्काउंट आया हुआ है, 50,000 रुपए की हम आपको एसेसरीज फ्री दे रहे हैं। तो कंपनी ने बोला है 50,000 रुपए डिस्काउंट है किसी गाड़ी पर, उसकी आपको एसेसरीज फ्री मिलेंगी, कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। इस टाइप से शोरूम जो है वो बरगला रहे हैं कस्टमर्स को। कस्टमर भी सोच रहे हैं हाँ यार बाहर से काम कराना तो है, सीट कवर लगवाने हैं, मड फ्लैप लगवाने हैं, नीचे फ्लोरिंग करवा लेते हैं, पीछे कुछ और करवा लेते हैं, अलग अलग चीजें हैं, स्किड प्लेट लगवा लेते हैं, कोई गार्निश लगवा लेते हैं, तो ये चीज बोलकर 50,000 रुपए की जितने की भी छूट उनको अपनी तरफ से देनी है वो चीजें आपको बोल देंगे कि देखिए पूरा पैकेज बनाया हुआ है कंपनी ने, ये काम आपको बाहर से भी कराना है तो आप यहाँ से करा लीजिए, कंपनी की चीजें फिर भी बहुत बढ़िया होती हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा पैसा और निकलवाने के लिए क्या बोलते हैं, आप इतना काम कर रहे हैं ना तो इसके साथ अगर आप 20,000 रुपए की ये एसेसरीज लेंगे तो आपको कंपनी सिर्फ 11,000 रुपए में दे रही है। तो वाह यार इतना सब काम हो रहा है तो 11,000 रुपए में और चीजें जो 20,000 रुपए की थी, मतलब दिमाग में देखिए क्या रहा है, 50,000 रुपए का तो वैसे ही फ्री मिल गया, 20,000 वाली चीज हमें 11,000 में मिल रही है, मतलब सिर्फ 11,000 रुपए हम दे रहे हैं, 70,000 रुपए का काम हमारी गाड़ी में हो गया है, तो बहुत बढ़िया लगता है। इस तरीके से भी थोड़ी सी चालबाजियां खेली जाती हैं। आपको यही बोलना है जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, मैं थोड़ा होमवर्क करके आया हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला है कंपनी ने, जो एसेसरीज पैक है वो अलग है, वो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो मुझे दीजिए, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। तब आपकी थोड़ी सी जो चाल है, उनकी एक्चुअली जो चाल है वो आप उसे काट पाएंगे। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं
कि वो डिस्काउंट बताते ही नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, शोरूम पर जाएंगे वही बता देंगे क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना। होमवर्क वाली बात मैंने की है, क्योंकि वो कभी आपको प्रॉपर चीज नहीं बताएंगे, वो नहीं चाहते कि उनकी कमाई कहीं से कम हो, तो वो चीज आपको देखनी है। फिर एक और चीज क्या रहेगी, डिस्काउंट जो होता है ना, जो कैश डिस्काउंट होता है, बहुत सारे लोग एक्स शोरूम प्राइस पर मांगते ही नहीं है। कंपनी जब भी देती है, जो डायरेक्ट कंपनी से आता है, जो आप ऑनलाइन देखते हैं, जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आर्टिकल में देखते हैं, वो सब एक्स शोरूम प्राइस पर होता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो गाड़ी है, और गाड़ी का जो प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का होता है। कोई भी आपको कैश डिस्काउंट मिलना है वो एक्स शोरूम पर आएगा। वो क्या करते हैं, आपको एक पूरा का पूरा पर्चा बना देंगे, ये एक्स शोरूम प्राइस है, ये इंश्योरेंस है, ये इसका RTO है, इसमें आपकी एसेसरीज जुड़ गई, इसमें एक्सटेंडेड वारंटी जुड़ गई, इसमें लॉजिस्टिक चार्ज जुड़ गए, ये चीजें वो चीजें करके, मान लीजिए 10 लाख रुपए की गाड़ी है, RTO और इंश्योरेंस के बाद वो 11 लाख रुपए की होनी है, 12 लाख रुपए की उसको दिखा देंगे, फिर उसमें दिखाएंगे 30,000 रुपए कंपनी की तरफ से कैश डिस्काउंट आया हुआ है। ऐसा कभी मत करना। आपको करना क्या है, अगर एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में से सबसे पहले आपको 30,000 रुपए कटवाने हैं, अगर 30,000 रुपए कैश डिस्काउंट आया हुआ है। हालांकि जो आप RTO चार्जेस देंगे और जो आप इंश्योरेंस चार्जेस देंगे, वो आपको 10 लाख पर ही देना है, वो डिस्काउंटेड प्राइस पर काउंट नहीं होते हैं, वो जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है उसी पर कैलकुलेट होते हैं, लेकिन आपको डिस्काउंट वहां पर लेना है। उसके बाद बाकी चीजें जुड़वाएंगे, तब आप देखेंगे आपको फायदा जो है थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर एक और चीज है जिसके बारे में अब बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि जो कंपनीज के पास स्टॉक है ना, वो एक्सेस में पड़ा हुआ है, इस साल वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन शोरूम की तरफ से तो फिर से वही बात है ना, आपको बताया थोड़ी ना जाएगा, दिखाया थोड़ी ना जाएगा कि उनको अर्जेंसी स्टॉक बेचने की। हम जाते हैं, काफी सारे लोगों ने मुझे बोला भी है ये चीज, कि हम शोरूम पर जा रहे हैं और वो लोग बोल दे रहे हैं इस गाड़ी पर डिस्काउंट इस टाइप का एज सच नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है जो कंपनी ने बताया था, अब कंपनी ने वो डिस्काउंट थोड़ा कम कर दिया है, या वो सिर्फ ना दिखाने के लिए है ताकि कस्टमर शोरूम में आ जाए, इतना डिस्काउंट तो कंपनी दे ही नहीं रही है, वो एक नया तरीका लेकर आ गए हैं, इतना डिस्काउंट कंपनी नहीं दे रही है। उन्होंने बोल दिया वहां पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल में तो 30,000 का ही है, क्योंकि कंपनी चाहती है कस्टमर शोरूम तक आ जाए, वो एक बार विजिट कर ले, और वो लोग भी तो यही चाहते हैं ना, उसके बाद कोई भी सोचता है चलो यार 30,000 को तो मिल ही रहा है ना। और फिर एक और चीज क्या बोली जाएगी, देखिए कंपनी ने लिखा है वैलिड टिल स्टॉक लास्ट, हमारे पास स्टॉक भी ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि डिस्काउंट इतने ज्यादा आ गए हैं, इस बार गाड़ियां बहुत सारी बिक रही हैं, थोड़ा बहुत ही स्टॉक कंपनी के पास बचा हुआ है, हमने भी ऑर्डर लगा रखे हैं और हमारी ना गाड़ियां वेटिंग में हैं, अभी तो कुछ खड़ी हैं, अगर आप लेना चाहे तो अभी तो हम एक हफ्ते में दिलवा देंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हो सकता है आपको ना मिल पाए, तो हो सकता है आपका नंबर अगले साल आए, तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने मन में बिठा लीजिए 99.9% कार्स मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक्सेस में रहेंगी, दिवाली में कितने भी सेल हो जाए, कितने भी बिक जाए, फिर भी कंपनी के पास, हर एक कंपनी के पास मोस्ट ऑफ द कार्स अवेलेबल रहने वाली हैं। 2-3-4 कार को छोड़ दे जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे अर्टिगा हो गई वो आते ही बिक जाती है, स्कॉर्पियो एन हो गई वो आते ही बिक जाती है, क्रेटा जैसी गाड़ियां हो गई हैं, हालांकि वेटिंग उन पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिस्काउंट इन पर नहीं है, तो ये मत सोचिए, वो गाड़ियां भी आराम से अवेलेबल हैं, डिस्काउंट नहीं है लेकिन अवेलेबल है। और बाकी गाड़ियों को तो आप भूल ही जाइए कि वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, वो नहीं होने वाली है, आपको अर्जेंसी दिखाई जा रही है ताकि आप कम डिस्काउंट में गाड़ी जल्दी से जल्दी खरीद ले। तो आपको बोलना चलो कोई बात नहीं, अगर खत्म हो रही है तो खत्म होने दो, हम तो अगले साल नया स्टॉक खरीद लेंगे, तब देखिए उनके थोड़े से सुर जो है वो बदल जाएंगे, कि कोई बात नहीं आप बताइए किस तरीके से आपको डिस्काउंट लेना है। तो डिस्काउंट आए हुए हैं, उनकी चालबाजियों मत फंसिए, अपनी चालाकियां दिखाइए, बढ़िया डिस्काउंट लेकर आइए। बहुत साल हो गए कार कंपनीज को हमसे पैसे लेते हुए, अब हमारा नंबर है, अपने पैसे में अपने दाम में अपनी पसंद की गाड़ी लेंगे। बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। स्टेप के वीडियोस क्लब से लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।